हाल ही में देश के कई राज्यों में चुनाव का माहौल चल रहा है। इस चुनाव के माहौल के चलते काफ़ी लोग और ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता सोशल मीडिया का उपयोग करके दुष्प्रचार फैलाने का काम करते हैं। इसके तहत काफ़ी गलत खबरें भी चलाई जाती हैं, जो गलत खबरें लोगों के अंदर घृणा पैदा करने का काम करती हैं। आज हम ऐसी ही एक खबर को लेकर आपके सामने आए हैं। 5 नवंबर 2018, रजनीश भरारा नाम के एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक पेज पे एक तस्वीर को शेयर किया, जिसमें ये लिखा था कि बीएसपी नेता बकरुद्दीन अंसारी अपने गुंडों के साथ दिन दहाड़े एक दलित महिला के साथ बदसुलूकी कर रहा है। इतना ही नहीं, इस पोस्ट को 9000 से भी ज़्यादा बार शेयर किया गया है। दलित महिला और मुस्लिम नेता, इस तरह के नामों का सहारा लेकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से लोगों के अंदर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की जा रही। इस पोस्ट की सच्चाई जानने के लिए इस तस्वीर का जब हमने गूगल रिवर्स इमेज सर्च किया तो ये देखने मिला कि ये तस्वीर 2014 में रिलीज हुई एक भोजपुरी फिल्म औरत खिलौना नहीं, वो फिल्म के अंदर फिल्माए गए एक दृश्य की है। इस तस्वीर को 2014 के ब्लॉगस्पॉट पे भी देख सकते हैं। आगे जब हमने सर्च किया तो एक हैरान कर देने वाली बात हमारे सामने आई, वो ये थी कि बीएसपी नेता बकरुद्दीन अंसारी ऐसा कोई भी नेता बीएसपी के प्रमुख स्थान पर है ही नहीं। हाल ही में इसी तस्वीर को गलत दावे के साथ सोशल मीडिया पे एक बार और शेयर किया गया, जिसमें ये कहा गया कर्नाटका कांग्रेस के एक नेता फारूक इमाम हुसैन ने एक दलित महिला के साथ दिन दहाड़े बदसुलूकी की। पिछले दावे की तरह इस दावे में भी ऑल्ट न्यूज ने जब जांच पड़ताल की तो ये सामने आया कि पोस्ट में लिया गया नाम फारूक इमाम हुसैन नाम का कोई भी नेता कर्नाटक कांग्रेस में है ही नहीं। इसी तस्वीर का 2017 में भी दुरुपयोग किया गया था, जब बंगाल के बशीरहाट शहर में कौमी दंगे चल रहे थे। एक सोशल मीडिया यूज़र विजेता मलिक, उन्होंने ये तस्वीर को अपने फेसबुक पे शेयर किया था। विजेता मलिक, जो खुद को बीजेपी हरियाणा की पदाधिकारी बताते हैं, उन्होंने इस तस्वीर को शेयर करते हुए ये कहा, बंगाल में जो हालात हैं हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है और सरेआम उनकी इज्जत के साथ खेला जा रहा है, इस पर कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा। ऑल्ट न्यूज़ का सबसे अनुरोध है कि इस तरह की कोई भी गलत खबरें अगर आप देखते हैं तो उसको बिना जाने बिना पुष्टि किए ना शेयर करें ना लाइक करें, क्योंकि इस तरह की गलत खबरें लोगों के अंदर हिंसा भड़काने का काम करती है और समाज के अंदर जातिवाद और भेदभाव बढ़ते हैं। थैंक यू।